तो जैसे मेरी नजर मैदान पर पड़ती है तो इस मैदान की, यहाँ के लोग, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की प्रशासन ऐसी हालत की है, ऐसा मुझे महसूस होता है कि जैसा कि कॉर्पोरेशन का जो भोगों का जो कचरा डिपो है वैसा उसके ऊपर नजर पड़ने के बाद महसूस होता है कि यहाँ पे पूरा कचरा डिपो बना हुआ। जिस हस्ती का नाम ले रहे थे, यहां पर ऐसा मैदान है, पूरी गंदगी के साए में फंसा हुआ मैदान है, जहां पर बच्चे कूदते हैं, खेलते हैं, अपना आनंद लूटते हैं, उस मैदान का नाम है हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर, जो देश की आजादी में जबरदस्त उनका कार्य रहा है, जिनका नाम है डॉक्टर अल्लामा इकबाल मैदान। आज वहां की स्थिति देखकर सोलापुर का ही नहीं, महाराष्ट्र का हर एक नागरिक अपने सर को हाथ लगाने के बराबर है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोलापुर शहर के मशहूर समाज सेवक सईद भाई नायकवाड़ी। इन्होंने उस मैदान को लेकर क्या कहा, आप इनकी जबान से सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सईद नायकवाड़ी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल इकबाल मैदान, उसके बिल्कुल सामने मेरे भाई का घर है, मेरा वहाँ पर आना जाना होता है। तो जैसे मेरी नज़र मैदान पर पड़ती है तो इस मैदान की, यहाँ के लोग, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की प्रशासन ऐसी हालत की है, ऐसा मुझे महसूस होता है कि जैसा कि कॉर्पोरेशन का जो भोगों का जो कचरा डिपो है वैसा उसके ऊपर नजर पड़ने के बाद महसूस होता है कि यहाँ पे पूरा कचरा डिपो बना हुआ। हालांकि इस मैदान की जो खासियत जो है, ये जो मैदान, जिस शख्सियत के नाम पर ये मैदान है, इनका नाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल है, इन्होंने इस देश की खातिर, आज़ादी के खातिर इतनी अपनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, ये पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरे पूरी दुनिया में मशहूर शायर थे, उन्होंने अपनी शायरी के जरिए से एक इनकलाब पैदा किया था हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर। तो ऐसे शख्स के नाम के मैदान की हालत आज अभी देखेंगे तो हमारे आँख में से पानी आता है। आज जो स्थिति जो नजर आ रही है मैदान में, जो गंदगी की जो माहौल है, क्या वहाँ के लोग, वहाँ के सामाजिक कार्य करने वाली या राजनीति ये लोग इसके बारे में क्यों तहकीकत नहीं कर रहे? नहीं नहीं, हमने तो अभी कैसा, अभी इस मैदान की जो हालत देखने के बाद हम कलेक्टर साहब के साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एरिया जो है एकदम पाक साफ एरिया है, इस एरिया के बीचों बीच में जो ये जो तो घान, जो गंदगी, जो मच्छर, जो हमारे आने वाले बच्चों के तबीयत के ऊपर जो बुरा असर जो पड़ रहा है, तो मैं कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैदान को एक हमारे मुस्लिम समाज के अच्छी ट्रस्टी या अच्छे मस्जिद के जिम्मेदारी, जो जो समाज कार्य करते हैं उनकी जिम्मेदारी देकर इस मैदान का डेवलपमेंट करने के, मैं ऐसा कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ के लोगों की तो बहुत सारी अरमान भी है, वो चाहते हैं कि इस ग्राउंड के अंदर थोड़ा थोड़ा साफ सफाई करके, जैसा कि तुम्हारे वर्जी, ये तकरीबन मेरे हिसाब से 5.5 या 5 एकड़ जमीन रहेंगी, 5.5 या 5 एकड़ जमीन है वो, तो उसके अंदर अगर डेवलपमेंट के हिसाब से, अगर तुम्हारा एक अच्छे इंजीनियर के हिसाब से, अगर उसको प्लानिंग के हिसाब से अगर बनेंगे तो वहाँ पे आसपास के देहात के जितने, आसपास के जितने भी रहवासी हैं, उस मैदान का फायदा उठा सकते, वहाँ पर वॉकिंग कर सकते, अपने बच्चों को अगर गार्डन बना तो वहाँ पे ला के खिला सकते, बच्चों को घुमा सकते, और थोड़ा व्यायाम का तुम्हारा जो वयस्क लोग ओपन जिम है वो भी कर सकते हैं जेंट्स लेडीज के लिए। सोलापुर के बहुत सारे गार्डन मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ उनकी संस्था के हिसाब से उन्होंने उस गार्डन को एक्वायर करके, कलेक्टर साहब के अंडरटेकिंग में हुआ तो उनके पास से एक्वायर करके उस गार्डन को डेवलप उसने किया है। जहाँ पे कॉर्पोरेशन के हड्डी में जो आता है वो नगर सेवक बोलो, वहाँ का कोई सामाजिक जो बड़ा नेता हो, उसकी संस्था के माध्यम से उन्हें, कॉर्पोरेशन के थ्रू उन्हें उसको डेवलपमेंट किया है। तो मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये मेरे हिसाब सोचने के हिसाब से ये जो जगह है कलेक्टर साहब के अंडर में है, तो मैं कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस मैदान पर अगर आपकी अच्छी नज़र डालकर इस एरिया के अंदर, इस जो ओपन मैदान में एक अच्छा सा गार्डन, एक तुम्हारा वॉकिंग, तुम्हारा मॉर्निंग वॉक के हिसाब से जो तुम्हारा
वो ट्रैक बनाकर और ओपन जिम का बच्चों के खेलने कूदने के लिए थोड़ा बाग बगीचा बनाए तो बड़ा बेहतर है। एक्चुअल कैसा है मालूम है क्या है नो तो भाई, अभी लोगों के अंदर उतनी जागृति नहीं आई है। ये जो नगर सेवक जो इलेक्शन के पहले जो हमको जो पब्लिक को जो आश्वासन जो देते हैं कि हम आने के बाद नहीं, अभी तो नगर सेवक नहीं है ना। नहीं ना, इसके अभी तो आदत अभी तो टूटी ना, अभी तो कलेक्टर सामाजिक कार्य करते हैं, नेता लोग हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग तो अनेक पक्षी के लोग हैं यहाँ पर, बहुत पास सारे पक्षी लोग हैं, लेकिन वो कैसा हर एक पक्षी के लोग को अपने अपने पक्ष की खाली फिक्र लगी है, उनको आम जनता कोई फिक्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो हम खुद इंशाल्लाह पहल करेंगे, एक सामाजिक कार्य के हिसाब से कदम उठाएंगे, कलेक्टर साहब से जाके हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मैदान जिस मैदान का नाम अल्लामा इकबाल नाम है, अल्लामा इकबाल के वो तराने से जो हिंदुस्तान का जो झंडा फहराता है उनके तराने की वजह से वो झंडा उनके बिल्कुल नहीं फहराता, वैसे इंसान के नाम पर जो मैदान रखा गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहब से, आप ये पूरे मैदान की हिस्ट्री काट कर यहाँ पर हमारे आम पब्लिक की जो डिमांड है इस ग्राउंड को पूरा पाक साफ क्लीन करके यहाँ पे नियोजन जो हमने बनाया है मॉर्निंग वॉक के हिसाब से बोलो, ओपन जिम के हिसाब से बोलो, बच्चों के चिल्ड्रन पार्क के लिए, ये हमारी इतनी रिक्वेस्ट है और आप करेंगे हमको ये उम्मीद है।